हाय दोस्तों, तो मैं हूँ आप लोगों का दोस्त राशि शेख। आज हम लोग बात करें कुछ ऐसी हॉरर ट्रेलर मूवीज के बारे में जो आप लोगों ने नहीं देखी होगी, और मोस्टली ये सारी मूवीज आप लोगों को हिंदी में मिल जाएगी। और मैं थोड़े दिनों बाद अपना टेलीग्राम अकाउंट खोलूंगा, जहां पर मैं ये सारी मूवीज से रिलेटेड जो भी मूवीज होगी, जो वीडियोज बनाता हूँ, वो मूवीज की लिंक मैं आपको उस टेलीग्राम अकाउंट में दे दूंगा, ताकि आप लोग डायरेक्ट जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं ये वीडियो तो स्टार्ट करूंगा, लेकिन आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, और जो साथ ही बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो, क्योंकि हर हफ्ते मैं ऐसे ही स्लैशर और हॉरर मूवीज के वीडियोस डालता हूँ। उसके अलावा जो भी वेब सीरीज और मूवीज रिलीज होती है उनके रिव्यू करता हूँ। तो यार प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग और आगे तक जा सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है हाउस ऑफ वैक्स, जो एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। ये फिल्म रीमेक है 1933 में रिलीज हुई मूवी द मिस्ट्री ऑफ वैक्स म्यूजियम। ये फिल्म आपको हिंदी में भी मिलेगी। फिल्म की कहानी शुरू होती है कुछ फ्रेंड से जो एक म्यूजियम जैसे घर में जाते हैं। वहां जाने के बाद वो लोग खुद को उस घर में कैद पाते हैं। इस घर में एक ऐसा इंसान रहता है जो लोगों को मौत के घाट उतार देता है। अब देखना यह है कि ये लोग उस इंसान से बच पाते हैं या नहीं। ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगली मूवी है वुल्फ क्रिक। ये मूवी रिलीज हुई थी 2005 में। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। फिल्म की कहानी शुरू होती कुछ दोस्तों से जो छुट्टियां बिताने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जाते हैं। वहां पहुंचकर उनकी कार खराब हो जाती है। वहां वह एक आदमी से मदद मांगते हैं। उसके बाद उनके साथ शुरू होता है मौत का एक भयानक खेल। इस मूवी के एक और पार्ट आया था जो रिलीज हुआ था 2013 में। अगली मूवी है द कलेक्टर। ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में। ये फिल्म एक हॉरर थ्रिलर है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक चोर से जो एक रिच फैमिली के घर को निशाना बनाता है चोरी के लिए। वहीं पर उसे मिलता है एक किलर जो घर के ही लोगों को मारने वहां आया था। ये चोर भी उस किलर के चुंगल में फंस जाता है। इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मैंने कुछ तीन मूवीज के बारे में आपको बताया, तो मोस्टली ये सारी की सारी मूवीज आपको हिंदी में मिल जाएगी अगर आप लोग गूगल में सर्च करोगे तो। अगर आपको नहीं मिलती तो फिक्र मत करा, क्योंकि मैं टेलीग्राम बनाने वाला हूँ, वहां पे मोस्टली ये सारी मूवीज की लिंक मैं वहां पे जरूर डालूंगा। आप लोग वहां जाकर ये सारी की सारी मूवी डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज मैं जाते हुए एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।